सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आना था, लेकिन बहस के बीच इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने केस से जुड़े ऑफिशियल दस्तावेज को पढ़ने के लिए समय मांगा है। इरफान के वकील ने दावा किया कि कोर्ट से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। वहीं मामले में सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिलीप अवस्थी ने आरोप लगाया कि अग्रिम जमानत के लिए इरफान के भाई रिजवान सोलंकी ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र लगाया है। शपथ पत्र में खुद को 4 बार का विधायक बताने का इल्जाम लगा है। पूरे मामले की जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर में FIR दर्ज होने के बाद इरफान को गिरफ्तारी की भनक लग गई थी, इसलिए 24 घंटे के भीतर वह अंडरग्राउंड हो गया था। शहर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और फिर हैदराबाद पहुंचने में उसको 5 दिन का समय लगा। इसी दौरान उसने कई अलग अलग नए सिमों व मोबाइल का इस्तेमाल किया। सर्विलेंस की टीम की जांच में यह तथ्य सामने आया है। हैदराबाद छोड़ने के बाद से उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। हैदराबाद में उसको एक चैनल कर्मी ने शरण दी थी। इरफान सोलंकी पर 8 नवंबर की रात FIR दर्ज हुई थी। केस दर्ज होने के चंद घंटे बाद ही इरफान ने शहर छोड़ दिया था। दूसरे दिन वह लखनऊ में थे, फिर वह वापस कानपुर आए और 10 नवंबर को यहां से नोएडा रवाना हुए। यानी केस दर्ज होने के बाद 2 दिन तक इरफान लखनऊ व कानपुर में ही रहे। इस दौरान पुलिस उन तक पहुंच नहीं सकी। नूरी शौकत के घर दबिश तक नहीं दी थी, जबकि वह इरफान के बेहद करीबी हैं। इससे पुलिस की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने बाद में उनकी धरपकड़ शुरू की, तब तक इरफान जद से बाहर जा चुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इरफान 11 नवंबर को दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचे थे। यहां से 13 नवंबर को बस से हैदराबाद गए। उन्होंने 17 नवंबर को हैदराबाद छोड़ा था। यहां तक पुलिस पीछे पीछे ट्रेस करती रही, इसलिए हैदराबाद के बाद से मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया। हैदराबाद में जिस चैनल कर्मी ने उन्हें शरण दी थी, वह कुछ समय पहले कानपुर आया था, तब इरफान का उससे परिचय हुआ था। पुलिस के मुताबिक कर्नलगंज निवासी इरफान के एक परिचित ने फर्जी आधार कार्ड बनाया था। इसमें नामजद आरोपी अली की भी भूमिका है। मुख्य आरोपी का नाम भी केस में बढ़ाया गया है। जब इरफान नूरी शौकत के घर पर थे, तब वह यहां पहुंचे थे। नूरी के घर पर ही दोनों ने मिलकर इरफान के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इरफान के परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इरफान पर दूसरा केस भी दर्ज हो गया है। पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसको देखते हुए उसके कई बड़े नामचीन लोगों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। जानकारी के मुताबिक वह डील करने का प्रयास कर रहे हैं कि इरफान की कथित तौर पर गिरफ्तारी करवा देंगे। अब की जांच में सामने आया है कि रिजवान इरफान के साथ नहीं गया, यानी दोनों अलग अलग फरार हुए हैं। रिजवान कैसे कहां गया, इसकी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है। एक तथ्य सामने आया है कि रिजवान राजस्थान में हो सकता है, इसलिए एक टीम राजस्थान भी रवाना हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।